मम्मी मैं मरने जा रही हूँ, मेरा अंतिम संस्कार कर देना। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं राम जी कश्यप अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे एक लड़की गरीब और एक लड़की अमीर की कहानी। तो चैनल में बने रहें लास्ट तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जो वीडियो भेजूं तो सबसे पहले के पास आए, और लाइक कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, आपका एक शेयर कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, और कुछ नहीं मिलता, खाली एक हौसला बढ़ता है कि हमारे इतने प्रिय भाई बहनों इतना हमें लाइक किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी में, तो एक बार की दोस्तों बात थी, काफ़ी पुरानी बात हो गई दोस्तों, कि एक लड़की गरीब घर की थी और एक लड़की अमीर घर की थी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने में मुझे बहुत अफसोस होता है, रोना आता है, मैं अंदर से रो रहा पर रो नहीं पा रहा हूँ बाहर से। तो दोस्तों, एक लड़की अमीर घर की थी, एक लड़की गरीब घर की थी। तो दोनों बहुत सखी सहेली दोस्ती थी दोनों में, फ्रेंड से दोनों दूसरे से, पर मजबूरी ये समस्या थी कि दोनों लड़कियां साथ में पढ़ने रहती थी दोनों सहेली, तो रोज़ स्कूल जाती थी, कहीं घूमने जाना साथ जाना था। रीज़न ये चीज़ थी कि जो गरीब घर की लड़की थी वो कुछ, उसको ड्रेस सही नहीं था और बैग भी सही नहीं था, कापी भी किताबें भी फटी पुरानी थी। तो दोस्तों, बात ये थी कि जो बड़े घर की लड़की थी, अमीर घर की थी, तो उसको ड्रेस भी अच्छा था और काफ़ी किताब भी था, पहनाव अच्छा था, खान पीन था अच्छा था। तो दोस्तों, बात यह थी कि दोनों लड़कियां साथ पढ़ने जाती थी, जब वहां पे लंच होता था स्कूल में। अब रोना और सोचना समझना यही पर की बात थी कि जो गरीब घर की लड़की थी वो कभी अचार लेके जा रही पराठा के साथ में, कहीं नमक लेके जा रही थी। जो गरीब अमीर घर की थी वो बढ़िया बंधा गोभी सब्जी बढ़िया चटपट बढ़िया चीज लेके जाती थी। जो गरीब घर की लड़की थी वो बहुत ईमानदारी बहुत शर्मिंदा थी, अपने फ्रेंड से लेके दोस्ती थी तो बहुत तगड़ी, फिर भी क्या करें मजबूर थी। जो जितनी दोस्ती हो आजकल हो दोस्तों, गरीबों को मजाक होता है अवश्य। तो वो लड़की जब लंच होता थी तो जो बड़े घर की लड़की थी वो, अच्छे घर की लड़की थी, वो अपना लंच अलग करती थी और जो गरीब घर की थी वो अलग करती थी। दोस्ती इतनी तगड़ी थी, फिर मजबूर थी वो जो बड़े घर की लड़की, तो अपने सखी सहेलियों के, जो अच्छे घर के लड़के लड़की थी, उनके साथ भोजन करती थी। ये अकेले कंत में बैठ करती थी, कभी सूखी रोटी लाती थी, कहीं नमक रोटी लाती थी, कहीं भात लाती थी। तो खाना उसको अलग खाना पड़ता था क्योंकि मजबूर थी। और वही लड़की जो उसके साथ की सहेली थी वो अच्छे घर में खाती थी खाना, ये गरीब घर में खाना खाती, वो स्कूल जाती थी अलग खाना खाती थी। तो बात यही थी, आप लोग समझ लीजिए यहाँ से गरीबी दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, गरीबी से पला बहुत अफसोस होता है। तो होते करते काफ़ी दिन हो गए थे, इसी तरह लड़की वो 10 साल की हो गई थी गरीब घर की। तो वो एक बार लड़की ने सोचने लगी है कि अब हमारे जीवन में जीने से क्या फ़ायदा है दोस्तों। तो वो लड़की एक बार अपने घर से बकरी चराने ले गई है एक पहाड़ की तरफ। तो वहाँ पर एक पहाड़ था, बकरी चर रही थी, वो लड़की पहाड़ पे चढ़ गई है अपना नीचे कूद के जान देने के लिए, प्राण देने के लिए। तो जैसे है वो लड़की पहाड़ पे चढ़ी, वैसे है एक बार रोए, माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं इतना आगे पढ़ पा रहा हूँ, गरीबी होने के कारण मैं अपना प्राण दे दूँगा, आप लोग मुझे शांतिपूर्वक मेरा संस्कार करा देना। बड़ी दुख की दोस्तों बात है, पर वो लड़की पहाड़ पर चढ़ जाती है, जैसे कूदने के वास्ते कूदने जाती है, वैसे है शिवशंकर भगवान और पार्वती किसी रूम में आ जाते हैं तो लड़की को रोक लेते हैं कि बेटी ऐसा मत करो। उसी पूरी हकीकत पूछो उन्होंने बताया तो बोलते हैं बेटे आप ऐसा मत करो। तो बोलते हैं बताओ प्रभु मैं क्या करूँ, माता हम क्या करें। तो उसको बताया ही है अपने घर की पूरी हकीकत। तो माता जी पार्वती भोले बाबा कहने लगे बेटी ऐसा मत करो, आपकी शादी हो जाएगी, आपका पति पूरा आपका श्रृंगार करेगा। तो धीरे होते करते लड़के पढ़ाई करते अच्छे मीडियम से पास हो गई, और उसकी शादी तो नहीं हो पाई थी पहले, पर एक
गरीब घर में हुई थी लड़की, वो भी अच्छा लड़का था, सब कुछ था उसके पास। बहरहाल लड़का में कोई खूबी थी तो लड़की की शादी हो गई उसी लड़के के साथ में दोस्तों, और फिर भी वो सुख नहीं हो पाए थे क्योंकि लड़का नशेड़ी गंजेड़ी शराबी था। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कृपया नशा से दूर रहें। दोस्तों आज युग में एक जगह कमाने से 10 जगह 25 जगह खर्चा करना पड़ता है, तो आप लोग भविष्य को सुधारें, बच्चों को सुधारें। गरीब घर के लड़का हो या बड़े घर के लड़का हो, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे माफ़ करना, मैं कहानी बहुत दुख की बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग नशा से सावधान रहें, जो नशा करेंगे उसी से पेट में कुछ खा लोगे तो पेट भरेगा, बाल बच्चों के भविष्य के कामना के एक कापी ले आओगे, पेन लाए, किसी की सरस्वती 24 घंटे में आ जाएंगी, तो किसी के सरस्वती से किसी को नौकरी लगे, बिजनेस लगे, तो इसलिए आप लोग कृपया हाथ जोड़ के विनती, नशा मत करें। तो दोस्तों उस लड़की की शादी उस घर में हो जाती, उस लड़के के साथ में लड़का नशेड़ी था, गंजेड़ी था, उसको मारता था, पीटता था, 2 तन की रोटी भी नहीं देता था बराबर। फिर वो लड़की मरने के वास्ते तालाब अपने दूसरे तालाब पे पहुंच जाती है, वहाँ पहाड़ भी था, बकरी लेके नहीं गए थे क्योंकि वहाँ बकरी था नहीं उसके पालन में परिवार में। फिर मरने के वास्ते पहाड़ पे उधर चढ़ जाती है, उधर पर बाबा से शंकर भगवान पार्वती माता फिर प्रकट होके आती हैं कि बेटी मत ऐसा करो कि आपके पति चलो नशेड़ी है तो जीवन नहीं गुजर रहा, बाकी आपके एक बच्चा जन्म होगा, गोदी में खिलाओगे, वही आपका मनोकामना पूरा करेगा, पहनाएगा, ओढ़ाएगा, सेवा करेगा। तो दोस्तों यही होता करते लड़की फिर अपने प्राण नहीं देती है, और उसके बाद दोस्तों लड़की अपने घर आ जाती है, दोस्तों उसके 1-2 साल में उसके बच्चा हो जाता है, बड़े प्यार पूर्वक उसको पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है। तो वो धीरे धीरे लड़का अपने माँ की ख्वाहिश पूरा करता था, लाता था पहनने को कपड़ा लत्ता, फल फ्रूट सब खिलाता था, सब जगह घुमाने ले जाता था। तो दोस्तों ये जो कहानी सुना रहे हैं बिजनेस मैन वालों के लिए है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए, सबके लिए है, हमारे JSSF ग्रुप के साथियों के लिए है। दोस्तों मैं छोटा सा एक बिजनेस NGO की तरफ से किए कर रहा हूँ, यही जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं आता है, 50-60 रुपया 200 रुपया भी आ जाता है खर्चा के लिए। एक वीक मैट्रिक कार्ड मिलता है, उसी में जो BP कम ज़्यादा होता है, खून से रिलेटिव चीज़ें बचाता है, जिसे बीमारी होती हैं सब, उसी कार्ड से बिटिया का साथ देनदान 10,000 से लेके 1,00,000 मिलता है, 10,000 से लेके 10,00,000 तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने देश में गरीबी हटे, अमीरी आए, तो मैं तो सबको फॉलो अप करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, गरीब घर का हूँ फिर भी जो मुझसे होता है करता रहता हूँ, किसी को बीमार उमार होती है, मैं किसी को हो तो मैं लेके भागता हूँ, मुझे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। मैं यह सोचता मन का खा लो, मन का पहन लो, मन का सबसे प्रेम कर लो, मेरे अंदर यही 3 खूबी है, पहन लो, पेट में खा लो, वही अपना है, सबसे प्रेम कर लो, वही जीवन में अब कुछ नहीं दोस्तों, सब चीज़ें हैं रह जाएगा। तो दोस्तों उन लड़कों में, वो लड़का का जो उसका जन्म हुआ, तो उसमें से हम ही सब आप लोग हैं, हम ही सब लोग हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो हम ही सब लोग हैं, माता पिता को सेवा करते हैं। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत माँ, वीडियो को शेयर अवश्य करें, जब तक के लिए प्रणाम।